अब लोग कुछ जो मेरे दुकानदार भाई हैं उनकी और जलेगी थोड़ी सी, कि भाई मिश्रा जी जो बोलता है वो सामने लाइव करके दिखाता और है। भगवान करे, आशीर्वाद है इनके ऊपर कि ये बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सर आपने देखा हम लोगों ने इंजन चालू कर लिया, अब इसमें लाइव डेमो हम लोग करेंगे। अब हमारा धान डला गया है ऊपर में, अब देखते हैं चावल कैसा निकलता है। ये हमारा धान कुटा गया है, एक भी धान का दाना नहीं, भूसा नहीं, अब इससे फ्रेश और क्या कुटा जाए। जो है आपके सामने लाइव मशीन चालू करके इंजन फिट करके हम लोगों ने चावल निकाल के दिखा दिया। ये देख सकते हैं चावल का क्वालिटी, एक बार में पॉलिश होकर फाइनल निकल गया चावल। बस बस ठीक है, अब इससे बेहतर और क्या दिया जाए। अब हम चाहेंगे तो इस चावल को और चमका सकते हैं। वन टाइम टच में ये चावल निकाल कर दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए। अब लोग नहीं कमा सकेंगे तो जीवन में कभी नहीं कमा सकेंगे, वादा है मेरा। भूसा गंदगी भी नहीं फैल रहा है, एक जगह पे गिर रहा है भूसा स्थिर होके। अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए लोगों के लिए। मतलब ये मान लू कि आप जब भी आते कुछ नया ही लेके आते हैं। अपने दर्शकों को, जो मेरे हमारे दर्शक हैं, हमारे भाई लोग हैं, किसान मित्र हैं, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग नया यूनिक करने का कोशिश करते रहता हूं। अच्छा, तो पहले मेरा एक वीडियो आया था, उस वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था कि ऐसे चक्का लगा के ये इंजन लगा के ये करके मैं दूंगा। आज मैंने उस मशीन को धरातल पे उतार दिया। धरातल पे क्या उतारा, इससे पहले कम से कम 500 मशीन ये मार्केट में जा चुका, लोगों के यहाँ चल रहा है। आज उसी मशीन का हम वीडियो लेकर आए हैं फुल कंप्लीट सेटअप के साथ, कि कैसे ये मशीन चक्का पे इंजन के साथ पूरा कंप्लीट सेटअप में तैयार हुआ है। तो सर देखते हैं और समझते हैं मन भाई जी। बिल्कुल, ये आपका देखिए राइस पॉलिशर मशीन। अच्छा जी जी, 670S न्यू मॉडल, टॉप मॉडल में बना हुआ मशीन है ये। बहुत अच्छा आपका। इसके साथ किर्लोस्कर का 12 HP का इंजन, एयर कूल। अच्छा, कोई पानी वानी का तामझाम नहीं, एयर कूल इंजन है। ऐसा चक्का लगा हुआ है, जो मैंने की वीडियो में बताया था कि भाई चक्का लगा के देंगे, फ्रेम पे तैयार करके देंगे, ये चक्का लगा हुआ है पूरा फ्रेम पे। मशीन देख रहे हैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, बस हैंडल मारना है, मशीन चालू करना है, धान कूटना है घर घर जाके घूम के। अच्छा जी, और मैंने सब लोगों को बताया भी था, ट्रैक्टर वाले गाँव में घुसे उससे पहले ये मशीन लगा दीजिए, ताकि वो घुस ही ना सके। बहुत, और ये छोटा मशीन है, कैरी करने में भी आसान है, कहीं पे भी अपना एक यहाँ पे इसका हुक लगाकर जी जी अपना बाइक से पिकअप गाड़ी से टोइंग करके ले जा सकते हैं, गांव-गांव में देहात में घींच के ले जा सकते हैं। मतलब ट्रैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, आपके मोहल्ले गांव में एक मशीन है, आपको फोन आया कि भैया मेरे यहाँ 10 मन धान है, किसी के यहाँ 100 मन धान है, किसी के यहाँ 50 मन धान है, बस बाइक में टोइंग किए ले जाके दरवाजे पे उसका खड़ा कर दिए, दिन भर धान कुटाया, शाम में मशीन वापस घर पे आ गया। कितने HP का, जरा इसके कुछ बारे में बताइए। ये सर 12 HP का किर्लोस्कर का इंजन है, एयर कूल। अच्छा, और आपका
ये मशीन जो है 10 HP का है। अच्छा, ये मशीन 10 HP का है। 12 HP का किर्लोस्कर देने का रीजन ये हुआ कि मशीन से 2 HP तगड़ा अगर इंजन रहेगा तो इंजन दबेगा नहीं। अच्छा। इंजन का लाइफ ज्यादा रहेगा, इंजन गर्म कम होगा, आप इसको लंबा समय तक चला सकते हैं। तो इसका क्या प्रोडक्शन उडक्शन होगा सर? इसमें देखिए, मैंने जो अपने हाथ से कूटा था इसमें 20 से 22 मन धान घंटे में कूटा था। 40 किलो का एक मन होता है जी जी, तो उस हिसाब से 880-90 किलो धान एक घंटे में मैंने कूटा था। ओ माय गॉड, तो उसमें आपका लगभग 5.5 क्विंटल के करीब आसपास चावल आया था फ्रेश, वो भी वन टाइम में, दो बार नहीं डालना है धान को। अच्छा, इसमें एक ही बार में? एक बार में फ्रेश फाइनल पॉलिश वॉलिश चढ़ा के सीधा बनाइए और खाइए, कोई भूसा नहीं, कोई कंकड़ पत्थर नहीं। तो मैं तो ये देख पा रहा हूँ आपकी मशीन से चलती फिरती मशीन है भाई, क्या ये मशीन को हमें लग रहा है चला के दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, आज लाइव डेमो करेंगे इसका। सही सुन पा रहा हूँ ये? जी हाँ, एक किसी के जो मेरे कस्टमर हैं वो भी है सामने, उनका मशीन जा रहा है, तो कस्टमर का मशीन रेडी हुआ, मैं सोचा कि भाई कस्टमर के सामने इसका डेमो किया जाए, पूरा दुनिया देखे, पब्लिक देखे कि भाई मिश्रा जी कैसा मशीन बनाते हैं। यूट्यूब में सिर्फ बोलते ही हैं मीडिया में कि सच में वो मीडिया मैन है, वैसा करते भी हैं। तो ये जा रहा है मशीन आज? जी हाँ जा रहा है। किसके पास जा रहा है? तो जा रहा आपके पीछे में सर खड़े हैं। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर हुआ। अच्छा श्याम सुंदर जी, कहाँ से आए सर? हम आए हैं बोकारो जिला से। बोकारो से आए? अच्छा, बोकारो से यहाँ आने का कैसे आना पड़ा आपको? कैसे पता चला कि अभिषेक जी ये मशीन दे रहे हैं या ऐसी मशीन बेच रहे हैं? ये सर, ये तो हमने YouTube से देखा। अच्छा, YouTube से देखा आपने? YouTube से देखा, तो हमने समझा कि रांची सामने है, इससे हम यहाँ से लेने से सारा कुछ ठीक रहेगा। और भी कहीं पता किया था आपने मशीन की? डायरेक्ट यही चला आया आपने? और भी पता किए थे। कहाँ कहाँ पता किए थे? ये तो पंजाब भी पता किए थे। पंजाब पता कर लिए थे? अच्छा जी, हरियाणा पता किए थे, आपका पटना भी पता किए थे। अच्छा बात, तो लोगों से और सर में क्या फर्क है? आपको यहाँ क्यों आना पड़ा लेने के लिए? फिर आपको पटना लेना चाहिए था, हरियाणा लेना चाहिए था? सर का अभी तक तो व्यवहार बढ़िया है, अब आगे कैसा रहेंगे, रिस्पॉन्स बढ़िया देना चाहिए। अच्छा, ताकि जो भी बेरोजगार लोग हैं वो सबको अच्छा मुनाफा कमाए। सर व्यवहार तभी पता चल जाता है जब आदमी मशीन लेने आता है। अभी क्या है कि आप मशीन लेके जा रहे हैं, लोग क्या हो रहा है, पैसा जमा करते हैं, 2-2 महीने तक मशीन नहीं मिलता लोगों को। सर वैसे बात, तो अभी अभिषेक जी का क्या रिस्पांस है मुझे बताइए जरा। तो बोले कि आप पेमेंट कीजिए, आपका मशीन रेडी है, और देखें तो मशीन रेडी भी है। अच्छा, तो आज मशीन आप लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? कोई गाड़ी उड़ी ले आए? गाड़ी लेके आए हैं और धान कूट के लेके जाएंगे। अच्छा, धान कूट के ले जाएंगे, धान भी ले आए क्या? बहुत अच्छा, तो आइए देखते हैं। बोला है वो करके दिखाएगा धरातल पे, एक बोलने वाला आदमी नहीं हूँ मैं, जो है सामने करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सर, तो आइए देखते हैं सर कि कैसे ये लाइव डेमो चलता है। अरे सर, ये मशीन के कोई वारंटी गारंटी भी दे रखे सर? 1 साल इसका चेंबर का, मशीन का जो आगे चेंबर है उसका 1 साल का वारंटी हम देते हैं। अगर 1 साल के अंदर आगे का ये चेंबर टूट जाए तो हम नया चेंज करके देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और इस इंजन का सर? इंजन किर्लोस्कर का है सर, इसके साथ कार्ड है आपका, जो भी दिक्कत हुआ किर्लोस्कर को फोन कीजिए, किर्लोस्कर जाना जाता है होम सर्विस देने के लिए। बिल्कुल, तो इससे बढ़िया इंजन तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, मार्केट में इंजन ही दो है ढंग का, किर्लोस्कर का ही सर। कि मिल भी दे रहे हैं और इंजन भी दे रहे हैं? जी हाँ, दोनों आपके अवेलेबल? जी हाँ, जिनके पास इंजन अपना खुद का है उनको सिर्फ मशीन और चैनल दे देंगे हम। अच्छा अच्छा, सिर्फ मशीन और चैनल दे देंगे। अच्छा, अपना वो अपना इंजन जो उनके पास पुराना पड़ा हुआ है वो लगा के भी अपना वो काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंजन लेना ही है, अगर आपके पास है पहले से तो अपना इंजन उस पे फिट कर दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो सर आपने देखा, हम लोगों ने इंजन चालू कर लिया, अब इसमें लाइव डेमो हम लोग करेंगे, धान कूट के देखेंगे कैसा क्या आ रहा है। अब हमारा धान डला गया है हॉपर में, अब देखते हैं चावल कैसा निकलता है। हमारा धान कुटा गया, एक भी धान का दाना नहीं, भूसा नहीं, अब इसे फ्रेश और क्या कुटा जाए, जो है आपके सामने लाइव
मशीन चालू करके इंजन फिट करके हम लोगों ने चावल निकाल के दिखा दिया। ये देख सकते हैं चावल का क्वालिटी, एक बार में पॉलिश होकर फाइनल निकल गया चावल। बस बस ठीक है, अब इससे बेहतर और क्या दिया जाए। अब हम चाहेंगे तो इस चावल को और चमका सकते हैं। वन टाइम टच में ये चावल निकाल कर दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए। अब लोग नहीं कमा सकेंगे तो जीवन में कभी नहीं कमा सकेंगे, वादा है मेरा। तो आपने देखा सर ये मशीन कैसे काम कर रहा है, भूसा गंदगी में नहीं फैल रहा है, एक जगह पे गिर रहा है भूसा स्थिर होके। अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए लोगों के लिए। ये हमारा डेमो हो गया, ट्रायल हो गया, सामने कस्टमर के सामने धान कूट के चावल निकाल के इंजन सेट करके सब कुछ करके हम लोगों ने दे दिया। अब लोग कुछ जो मेरे दुकानदार भाई हैं उनकी और जलेगी थोड़ी सी कि भाई मिश्रा जी जो बोलता है वो सामने लाइव करके दिखाता है। तो मैं सर आप सर से देखना चाहूंगा क्या सर आपकी मशीन जो है ये देख पाए थे आप, जैसा सुन पाए थे वैसा ही काम कर रही है, अलग से कुछ काम कर रही है? वैसा ही काम कर रही है। वैसा काम कर रही है ना, खुश है ना? देखो सर खुश रहना जरूरी है, ठीक है, जो है तभी तो दंते के चोट पे ताल ठोक के हम लोगों ने डेमो किया। सर जब आए थे तो उनका यही कहना था कि मशीन हम चालू करके देखेंगे, तो हम उसमें एक लाइन और ऐड किए थे कि नहीं सर सिर्फ चालू करके नहीं, आप धान लेते आइएगा, हम लोग धान कूट के देखेंगे। बहुत अच्छा, तो अब मान लीजिए सर कोई किसान साथी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है जी, तो कैसे संपर्क कर सकता है? सर देखिए हमारा भारत मशीनरी एंड टूल्स कमरे गैस गोदाम के सामने है, रांची में कमरे गैस गोदाम, रांची स्टेशन उतरना है, वहां से ऑटो पकड़ना है, ऑटो वाले को बोलना है कि भैया भारत मशीनरी कमरे गैस गोदाम ले चलिए। अच्छा। कमरे गैस गोदाम उतरेंगे, जस्ट उसके अपोजिट में हमारा कंपनी है, आकर वहां लाइव मशीन अपना डेमो करके विजिट करके चला के सब करके देख सकते हैं। मतलब अपना सर धान लेके आए तो आप उसको जी डेमो करके देंगे, और अगर जिस मशीन का हमारे पास फिटिंग उपलब्ध नहीं है उस समय एट प्रेजेंट में अगर स्थिति में नहीं है व्यवस्था, तो हम कस्टमर को बोलेंगे भैया 2-3 दिन समय ले लीजिए, उसके बाद आइए आप डेमो लाइव करके देख लीजिए। चलिए सर बहुत, तो मशीन लेने के लिए रांची में बेझिझक, पहले मेरा हर बाहर कस्टमर से यही आग्रह होता है मशीन लेने से पहले आकर मशीन देख लें, समझ लें, उसके बाद मशीन में हाथ लगाएं, जो मैं समझा पाऊंगा शायद वो अलग हो। बिल्कुल सर, और जो दुनिया कह रही हो वो अलग हो। और मैं तो लाइव देख भी पा रहा हूँ सर कि आप खुद मशीन कस्टमर को किस तरह खुश करके भेज जी रहे हैं। सर देखिए 9 साल का बच्चा घर छोड़ के निकला था, एक 9 साल का बच्चा तो ऐसा ही तो नहीं निकल गया होगा। बिल्कुल, जीवन में हर वो मुश्किल हर वो गरीबी का सामना किया होगा जो हर इंसान करता है या फिर उससे ज्यादा, तो वो संघर्ष का ये फल है कि हम हर किसी को रोजगार दे रहे हैं। पैसा कमाना आम बात है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन उस पैसे के जरिए रोजगार बांटना ये धर्म है और ये हर इंसान को करना चाहिए। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका? सर देखिए इसमें क्या है, पहले तो आपका धान का कुटाई मार्केट में कहीं 1.5 रुपया किलो है, कहीं 2 रुपया किलो है, मैं वो सब छोड़ता हूँ, 1 रुपया किलो मानता हूँ एकदम न्यूनतम, कम से कम 1 रुपया किलो भी आदमी धान कूट रहा है, घंटे का 800 से 900 किलो धान कूटा मशीन, मतलब घंटे में मशीन आपका 800-900 रुपया कमाया, 200 रुपया आपका 50 रुपया मेहनत आना घंटे का आदमी का, और 150 का डीजल, 200 घंटे में 150 का डीजल और आपका 50 रुपए मेहनत आना एक लेबर का मजदूरी जी 200, तो भी घंटे में 600-700 रुपए आप कमा रहे हैं, 10 घंटा भी रोज आपका मशीन चला तो 6-7 हजार आप कमा लिए, कहाँ मिलता है नौकरी में। बिल्कुल सर, तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि बड़ा नौकर बनने से छोटा मालिक बन जाइए, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो भैया बहाना छोड़िए और उठिए कदम बढ़ाइए, हम साथ में खड़े हैं।
सर अब ये फाइनली मशीन आप ले जा रहे हैं? हाँ ले जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, रिस्पांस कैसा, क्या हुआ अभिषेक जी? ये दो मशीन आपसे कहे थे, अभिषेक जी जो बताए थे कि हम ये बोले थे कि हम धान ले आएंगे सर, आप धान कूट के हम ले जाएंगे। जी जी, तो हमने जो बोला और अभिषेक जी ने जो कहे वो करके दिखाए। इनका कहना जो था वो सही था? हाँ सही था, और भगवान करे आशीर्वाद है इनके ऊपर कि ये बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए सर, इन्होंने तो मिशन ये ठान ही रखा है घर घर रोजगार देने का। हाँ क्यों अभिषेक सर? लगे हुए हैं सर, बस बड़ों का आशीर्वाद है। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर।